अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 786 पे। आज मैं जिस पौधे पे बात करने जा रही हूं वो है विंका प्लांट, जिसे उर्दू में सदाबहार भी कहते हैं और ये प्लांट पेरीविंकल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको किसी भी जगह में, किसी भी बॉटल, किसी भी पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा 12 महीने वाला पौधा है। ये इसमें तीन कलर्स बहुत कॉमन है जो मैंने भी देखे हैं, जो इसमें पिंक, वाइट, जैसे कि ये देखें वाइट फ्लावर है, ये वाइट और रेड। रेड मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। और ये मैं आपको दिखाऊं तो इसके सीड्स भी इसी में बनते हैं, इस प्लांट के। ये देखें आप, ये देखें, ये इसके सीड्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह ये आपको दिखाऊं तो ये इसमें इसके सीड्स बन रहे हैं। ये अभी बहुत छोटा है, यहाँ पे इसके सीड्स बन रहे हैं। इसी तरह ये अगर क्लियर हो जाए तो ये देखें, यहाँ भी इसके सीड्स बन रहे हैं। ये प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये प्लांट अपने आप में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और ये बहुत ही आसानी से कहीं पे भी लग सकता है। ये देखें, अगर मैं आपको इसका नीचे से दिखाऊं तो इस प्लांट में जो अभी आपको जगह खाली नज़र आ रही है, इसमें से मैंने प्लांट्स निकाले हैं और दूसरी जगहों में शिफ्ट किए हैं। और इसी तरह मैं आपको एक छोटा सा पॉट और दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसमें अभी ये फ्लावर भी बन रहा है। ये देखें, ये फ्लावर बन रहा है और यहाँ पे इसके सीड्स भी बन रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे भी इसका फ्लावर बन रहा है और ये भी एक इसका फ्लावर बन रहा है। इसके सीड्स खुद ही पॉट में गिरते रहते हैं और दोबारा से जर्मिनेशन को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ये जैसे कि ये यहाँ पे इसके सीड्स गिरे हुए हैं, नहीं, ये जो एक टहनी आ रही है, ये देखें, ये अभी फ्लावर बनाएगा और फिर इसके सीड्स भी बनेंगे। ये पौधा 12 महीने चलने वाला है। सर्दियों में ये अपनी फ्लावरिंग को थोड़ा सा कम कर देता है। इसको गर्मी पसंद होती है, ये सनलाइट को पसंद करता है और ये गर्मियों में अपनी अच्छी से फ्लावरिंग करता है। और ये कहीं पे भी इजीली लग सकता है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसने यहाँ पे भी अपनी एक फ्लावरिंग स्टार्ट किया। और ये अगर ये नज़र आए तो बहुत छोटा सा एक सीड भी बन रहा है। इसी तरह ये देखें, ये भी इसके फ्लावर भी बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये सीड भी हमें देगा तो और वो फिर हम इसी में ग्रो कर देंगे। आप इस प्लांट को अपने घरों में लगाएं और किसी भी छोटी सी भी जगह में ये पौधा आसानी से लग जाता है और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये देखें, इसमें मेरे पास अभी पिंक है और मेरे पास ये एक वाइट फ्लावर वाला भी है और ये रेड फ्लावर में भी होता है। अभी तक मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। अगर आप इस प्लांट को, विंसा प्लांट को, अगर आप फेब्रुअरी और मार्च में लगाते हैं, इसकी कटिंग लगाएंगे या सीड्स लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ये सीज़न में कोई भी प्लांट आसानी से लग जाता है। या फिर बरसात में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। अगर आप इसकी कटिंग भी लगाते हैं तो आप एक पेंसिल की तरह का साइज़ लेके यहाँ से इसकी कटिंग करके
और अगर आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका ग्रो भी कर जाएगा। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकती हैं, यानी कि आप इसकी एक कटिंग लें और पानी की बॉटल, प्लास्टिक की हो या शीशे की भी हो, किसी भी बर्तन में आप उसे डाल दें और उसे थोड़ा सनलाइट में रखें, जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे ये अपनी थोड़े ही दिनों में रूटिंग को स्टार्ट कर देगा और वो रूट्स जो निकल आएंगी तो फिर आप वो उसे किसी भी पॉट में या किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में उसको लगा के उसको स्टार्ट कर सकते हैं इस पौधे को। जब आप नर्सरी पे जाएं तो आप उन्हें उर्दू नेम पौधे का बताएं, कोई भी प्लांट हो उसका उर्दू नाम बताएं, क्योंकि नर्सरी वालों को अक्सर प्लांट्स के इंग्लिश नेम नहीं पता होते। तो मुझे आपसे ये कहना था, सदाबहार का पौधा अपने अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है और कैंसर इस तरह के इलाज के लिए भी बेहतरीन है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो सदाबहार के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की है, और जब इसको अच्छे से फ्लावरिंग होने लग जाएगी तो भी मैं आपको इसको दिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।